हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित पटेल। स्वागत है आप सभी का हमारी दादा सोडा फाउंटेन के यूट्यूब चैनल में। साथ में फ्रेंड्स, केसर फ्लेवर प्राइवेट लिमिटेड है, उसकी भी यूट्यूब चैनल है, उसमें भी आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा जो बिजनेस चल रहा है वो है सोडा बॉटलिंग प्लांट। आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो सोडा बॉटल है वो मार्केट में आज सबसे ज़्यादा बिक्री होती है। तो इसकी जो फ्लेवर होती है वो कैसे बनाई जाती है उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल्स बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे कस्टमर रहते हैं जिनकी हमें फोन कॉल आते हैं और हमको बताते हैं कि सर हमें प्लांट ले लिया है लेकिन फ्लेवर कैसे बनाना है वो हमें नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप आखिर से अंत तक देखिए तो आपको इस वीडियो में सारी डिटेल मिलेगी कि फ्लेवर कैसे बनाई जाती है। तो और मैं अपने हर कस्टमर को एक ही चीज़ बताता हूँ कि आपको क्वालिटी चीज़ लेनी है और क्वालिटी पे ही वर्कआउट करना है तो आप हमारे कंपनी के साथ जुड़िए एक बार, तो उससे आपको क्वालिटी का एहसास होगा। तो सबसे पहले जो फ्लेवर्स बनाना है उसके लिए कितने कितना रॉ मटेरियल लगेगा वो सारी चीज़ मैं बताऊँगा। सबसे पहले देखो, हमें इस टाइप का जो बॉटल के लिए शुगर सिरप बनाना पड़ता है तो वो शुगर सिरप बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए फ्लेवर। तो यहाँ पे जो हमारी ब्रांड है केसर, उसका ऑरेंज फ्लेवर है, ठीक है। फिर फ्लेवर कैसे बनाना है उसकी पूरी रेसिपी यहाँ पे लिखी है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है, उससे भी आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये ऑरेंज फ्लेवर बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, कुछ मगजमारी वाला काम नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। तो ये बनाने के लिए फ्लेवर्स चाहिए आपको। सेकेंडरी पे आपको एक स्टरर मशीन चाहिए, आपकी जो बेस साइज रहती है वो बेस साइज के हिसाब से आपको स्टरर मशीन भी रखना पड़ता है। एक रेड स्केल चाहिए, उसके लिए खाली कंटेनर चाहिए, ठीक है। वाटर चाहिए और शुगर चाहिए, यहाँ पे हम लोगों ने वाटर भी लिया है बाल्टी के अंदर। उसके अलावा हमने ऑरेंज फ्लेवर के अंदर जो भी शुगर यूज़ होगी वो शुगर भी हमने लेकर रखी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें 6 kg शुगर की रिक्वायरमेंट रहती है एक बेस साइज बना के लिए। तो ये जो है पैकेट जिसमें से आपको 50 लीटर से लेके 40 लीटर तक का ड्रिंक रेडी कर सकते हो, वो भी कैसे होता है वो भी मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले हम इस बॉक्स ऑरेंज फ्लेवर बनाना है, इसके लिए हमें 6 kg शुगर की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हम 6 kg शुगर लेंगे। तो यहाँ पे बाकी है, उसके अंदर हमने वेट स्केल से कर रखा है शुगर को, वो हम डाल देंगे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे 6 kg शुगर रेडी हो चुकी है। उसके बाद ये शुगर के अंदर हमें 6 लीटर वाटर डालना है, तो हम 6 लीटर वाटर ले लेंगे। फ्रेंड्स, आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये जो फ्लेवर्स बनाने के लिए जो वाटर यूज होता है वो आपको आरओ वाटर लेना है। वो आरओ वाटर के साथ साथ अगर आप आरओ वाटर निकालने के बाद यूवी में से लेते हैं तो वो बहुत ही बेहतरीन मिलता है। उसके अलावा जो वाटर आप फ्लेवर बनाने के लिए यूज़ करोगे उसको आपको 90 से 100 डिग्री तक उबालना है। उबालने के बाद वो जो वाटर रहेगा उसको ठंडा होने देना है। हमने इसको पहले से उबाल के रखा है, अभी वो ठंडा हो गया, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया, थोड़ा सा हल्का सा बुलबुला जैसा ही गर्म है वही हमने वाटर लिया है। कभी इसके अंदर हमने शुगर ले लिया है, वाटर ले लिया है। उसके बाद हमारी जो एक फ्लेवर रहती है, हमारी जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फ्लेवर रहती है उसके अंदर 2 पार्ट रहते हैं, एक लिक्विड पार्ट रहता है और एक पाउडर पार्ट रहता है। तो हमें वो दोनों पार्ट जो रहते हैं उसको इसके अंदर डालना है। हम पहले पाउडर पार्ट डालते हैं और ये लिक्विड पार्ट होते हैं जिसको हम अच्छी तरह से हिला देंगे, जिससे करके क्या है कि अंदर की साइड में कुछ भी लिक्विड बचेगा नहीं और पूरा का पूरा अंदर डाल पाओगे। ये पाउडर पार्ट हमने डाल दिया है इसके अंदर अच्छी तरह से, अब हम ये लिक्विड पार्ट भी इसके अंदर डाल देंगे। ये लिक्विड पार्ट को भी अच्छी तरह से डाल दिया है हमने। अभी हमें उसमें स्टरर मशीन रख देना है, वो जब तक चीनी पानी के अंदर मिक्स ना हो जाए, सब चीनी घुल ना जाए, तब तक उसको हमें स्टरर से स्टररिंग करना है। तो ये स्टरर मशीन है वो हमने इसके अंदर रख दिया है, अभी 5 मिनट तक ये चलेगा तो वो अपने आप सब चीनी चल
चाबी को भी भूल जाए। देख सकते हो आप यहाँ पे जो हमारी शुगर है वो पूरी तरह से मिक्स हो चुकी है, अब हम उसको बंद कर देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा बहुत ही बेहतरीन टेस्ट और स्मेलिंग वाली जो ऑरेंज है उसकी अरोमा आ रही है। आप भी फ्लेवर फ्रेंड्स एक बार हमारे फ्लेवर मंगा दीजिए और यूज़ करोगे तो भी आपको पता चलेगा कि इतना बेहतरीन टेस्ट आ रहा है ऑरेंज का। अभी जो इसमें से चीनी रहेगी, वाटर रहेगा, जिसमें थोड़ा सा डस्ट पार्टिकल रहता है, तो उसको हम चीनी से अच्छी तरह से छान देंगे। यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी सोडा मशीन है या बॉटलिंग प्लांट है तो उसके लिए आपके पास जो भी कंटेनर है अवेलेबल, वो कंटेनर के अंदर आपको सिर्फ शुगर सिरप फिलअप करना है। और इसके अंदर एक हो गया वन पार्ट जिसका इसको हम बोलेंगे शुगर सिरप, जिसके अंदर हम एडिशनल वाटर डालेंगे या सोडा डालेंगे, जिससे आपका 30 आप इसमें 30 लीटर वाटर डालोगे तो आपका 40 लीटर की सोडा का ड्रिंक रेडी हो जाएगा। और उसके अलावा आप इसके अंदर वाटर डालोगे, ठीक है, तो वो आपका जूस टाइप की फ्लेवर रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको भी इस टाइप की बेहतरीन फ्लेवर चाहिए तो इस वीडियो के नीचे हम अपना नंबर अपलोड करते हैं, वहीं से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा हमारी यूट्यूब चैनल है केसर फ्लेवर प्राइवेट लिमिटेड, या हमारी वेबसाइट है www.kesarflavorprivatelimited, वहीं से भी आप हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ कि आजकल के मार्केट में उसके अलावा एक बॉटल से पाउच है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में अवेलेबल है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। उसके लिए भी हमने स्पेशल एक फ्लेवर बनाई है, जो फ्लेवर होती है वो गट टाइप की फ्लेवर रहती है, जिसमें लिखा रहता है मैंगो गट है, ऑरेंज गट है, लीची गट है। उसके अलावा फ्रेंड्स जो बॉटलिंग प्लांट के कस्टमर है जिनको ये फ्लेवर्स यूज़ करने के लिए हमने स्पेशली 5 लीटर, 10 लीटर, 13 लीटर्स के पूरे कैन बनाया है, वो यूज़ करके भी आप अपने फ्लेवर बना सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग केसर फ्लेवर प्राइवेट लिमिटेड यूट्यूब चैनल।